हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बड़े सपने देखने व उसे पूरा करने की अपनी रोमांचक यात्रा शुरू करें। सपनों के बारे में गेटे ने कहा है कि आप जिसका भी सपना देख सकते हैं या जो भी कर सकते हैं उसके साहस के साथ शुरुआत कर दें, क्योंकि साहस में प्रतिभा, शक्ति व जादू होता है। जैसे आप बचपन में चलना सीखते समय लड़खड़ाते कदमों के साथ बार बार गिरे थे, लेकिन हर बार आपने नए सिरे से फिर से शुरुआत की थी, वह आत्मविश्वास के साथ चलने व दौड़ने का रोमांच व खुशी को महसूस किया था। इसी तरह बड़े सपने देखने की यात्रा भी रोमांच, खतरों, खुशी व सफलताओं से भरी हुई है, लेकिन यह प्रक्रिया हमेशा स्पष्ट, आसान व व्यवस्थित नहीं होती है। आपको साहस के साथ बड़े सपने देखने व इस प्रक्रिया में जुटे रहने की प्रेरणा देने के लिए इस अध्याय में 5 साइन पोस्ट, पहली हताशा, दूसरी खोज, तीसरी लगन, चौथी आशा व पांचवी अनुशासन दिए गए हैं, जिनसे आप बड़े सपने देखने की प्रतिभा, शक्ति व जादू को जान जाएंगे। पहला साइन पोस्ट है हताशा। आपको बड़े सपने देखने की आवश्यकता क्यों है? इसका पहला संकेत है हताशा। हमने बचपन में सुनहरे सपने पूरी ऊर्जा के साथ देखे व संजोए होंगे, लेकिन उन्हें माहौल, सिस्टम व परिस्थितियों ने चुरा लिया है। जब सपने नहीं होते हैं तब दिल भारी व जीवन बोझिल लगने लगता है। हमारा काम सिर्फ चाकरी या अनुशासन की श्रेणी में आने लगता है। दूसरा साइन पोस्ट है खोज। जीवन में सफल होने के लिए आपको जिसकी जरूरत है वह पहली चीज, आपके पास एक सपना होना चाहिए, दूसरी चीज एक सकारात्मक नजरिया, और तीसरी उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपके पास सही साधन होना चाहिए। जब आप अपना सपना खोजने में जुटते हैं तब आपके मन में ये प्रश्न उठने स्वाभाविक है कि मेरे पास सपने थे, मैंने इसे कब गंवाया, मैं इसे दोबारा कब पा सकता हूं, क्या मैं पुराने सपने से शुरू करूं, क्या नए सपने से शुरू करूं। तीसरा साइन पोस्ट है लगन। अपने सपने को खोजने व उसे हकीकत में बदलने के लिए लगन बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। इसे पाने का सबसे बेहतरीन उपाय है अपने ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करना। चौथा साइन पोस्ट है आशा। हर मामले में आशा लगन का ईंधन होता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों में आशा वह गुण है जो तमाम चीजों के बावजूद आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है। और पांचवा साइन पोस्ट है अनुशासन। चट्टान जैसी ठोस आशा जो आपको अपनी यात्रा में आगे धकेलती है, इसके लिए खोज की अनुशासित प्रक्रिया की जरूरत होती है। अभी आपके पास अपने दिल में झांककर अपने सपनों की समीक्षा करने व भविष्य के लिए एक ठोस नींव बनाने का अवसर है। अपनी मनपसंद जगह पर जाएं, अपनी आशा की तलाश करें, इस खोज पर ध्यान केंद्रित करें कि आपके दिल में सचमुच क्या है। अपने दिमाग में आने वाले विचारों को तुरंत लिख लें। दिल से पूछने वाले प्रश्न। पहला, आपके वे शुरुआती सपने कौन से हैं जिनसे आपको शक्ति मिलती है? दूसरा, आज मुझे कौन से सपने शक्ति देते हैं? तीसरा, क्या मेरे वर्तमान सपने उतने स्पष्ट हैं जितने मैं चाहता हूं, हां या ना? चौथा, क्या मैं अपने सपने स्पष्ट करता हूं वह उनसे मुझे ऊर्जा मिलती है, हां या ना? पांचवा, क्या मेरे सपने मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण है कि उन्हें स्पष्ट करने के लिए चिंतन करूं, हां या ना? आप इन पांचों प्रश्नों के उत्तर अपने 200 पेज की बुक में लिख लीजिए। इनकी समीक्षा हम आगे आने वाले अध्यायों में करेंगे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।